हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ुकोर गेम्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है ज़ुकोर गेम्स में। और आज के वीडियो में एक नया एमुलेटर, नया ऐप प्लेयर में ट्राई करने वाला हूँ, जिसका नाम है MSI ऐप प्लेयर। जी हाँ, आज का वीडियो होगा MSI ऐप प्लेयर वर्सेस गेम लूप। तो पहले आपको क्या करना है, मोजिला या फिर कोई भी ब्राउजर पर जाओ, गूगल पर जाओ और यहाँ पर डालो MSI ऐप प्लेयर, MSI ऐप प्लेयर डालो और एंटर मारो। यहाँ पर आपको MSI की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मिलेगी। ठीक है, काफ़ी कुछ दिखा रहा है। तो रेडी टू प्ले, ओके। ये डाउनलोड का पेज इसका ये है, आप देख लो मेरे जो ऊपर का जो URL देख लो, msi.com/landing/app-player। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दिखने में तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये, कोई बात नहीं, जो भी ये देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोग ने देखे जो बढ़िया दिखते हैं और बाद में हक देते हैं, क्या बात है। तो भाई अप्रोक्सीमेट 510 MB का फाइल साइज़ है, फटाफट हो जाएगा अपने पास ये। और उसके बाद में हम इसको इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, MSI ऐप प्लेयर है। और ये भी किसी अपने जो सब्सक्राइबर है उसमें से किसी एक भाई ने रिक्वेस्ट किया कि ये वाला ट्राई करो, ये काफ़ी अच्छा है। तो आपके लिए ये वाला ट्राई कर रहे हैं भाईजान, जिसने भी मुझे सजेस्ट किया उसके लिए थैंक यू। और ये MSI ऐप प्लेयर डाउनलोड हो चुका है भाई, तो मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ इस तरह से, इसको एक्सट्रैक्ट टू MSI ऐप प्लेयर पर करता हूँ मैं। और ये आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और ये है भाई वो, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके लिए जगह बना देता हूँ मैं। तो गाइज, मैंने डी ड्राइव के अंदर ये एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है MSI प्लेयर। ओके, MSI प्लेयर हो गया है। तो मैं अब जाता हूँ फिर से एक बार अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में, और ये MSI का आइकॉन है ऐप प्लेयर का, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और डबल क्लिक होने के बाद में ये वाली स्क्रीन आती है। अब ये MSI प्लेयर इनटू ब्लू स्टैक, इसका मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पर जो कस्टमाइज है इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक करता हूँ। सी ड्राइव, भाई ये क्या है, ये MSI ब्लू स्टैक क्यों दिखा रहा है? कहीं ये ब्लू स्टैक तो नहीं डालने वाला है, पता नहीं। और ये हम ज़रूर चेक करेंगे, ये क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं डी ड्राइव के अंदर MSI प्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो 2 GB दिखा रहा है, अवेलेबल स्केप जो है स्पेस तो काफ़ी है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि ये ब्लू स्टैक ना हो यार, मतलब सर दुख जाएगा अगर ये ब्लू स्टैक हुआ तो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्लू स्टैक। दुनिया का सबसे वाहियात इम्यूलेटर है भाई। इंस्टॉल, चेकिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट, ओके, क्रिएटिंग MSI ऐप प्लेयर, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सट्रैक्टिंग फाइल। ठीक है, तो मैं इसको लॉन्च करता हूँ। मैंने क्लिक किया लॉन्च पे, अब ये लॉन्च होने वाला है। ओके, ये लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ब्लू स्टैक जैसा दिखने में तो नहीं है। स्टार्टिंग MSI ऐप प्लेयर, प्लीज़ वेट, फर्स्ट बूट मे टेक 2-3 मिनट, डिपेंड ऑन योर PC परफॉर्मेंस। ठीक बा, कोई प्रॉब्लम नहीं है MSI ऐप प्लेयर। तो गाइज, हम लोग MSI ऐप प्लेयर टेस्ट करने वाले हैं PUBG मोबाइल के लिए। और आई होप हो गया, क्या बात है, और आई होप कि ये बेटर देन गेम लूप हो। अब मैं गूगल प्ले स्टोर पर जाता हूँ, साइन इन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ PUBG मोबाइल, ये मैंने क्लिक कर दिया PUBG मोबाइल पे। और ये मतलब हिंदी में क्यों आ रहा है, वाई दिस कमिंग इन हिंदी, वॉट एवर इट इज, इंस्टॉल PUBG मोबाइल पागल मिरामार। अरे भाई, मतलब ये हिंदी में क्यों आ रहा है यार, बाकी सब तो इंग्लिश में ही आ रहा है, सिर्फ वो ही हिंदी में आ रहा है। ओके,
पबजी मोबाइल को हम लोग को इंस्टॉल करना है भाई, सीधी सी बात है। आप कैसे भी करो, आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, डजेंट मैटर क्या दिखाई दे रहा है। ये पबजी मोबाइल पागल मेरा मार, हद हो गई भाई। मतलब ये नया वाला पैच है सीजन 13 का, जो कि पागल मेरा मार, क्या बात है। चलो हम अपने पबजी मोबाइल को डाउनलोड होने देते हैं इसके अंदर, और फिर हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बी से बंदर, सी से सिखंदर। तो भाई लोग, अपना जो पबजी मोबाइल है पागल मेरा मार, वो डाउनलोड हो चुका है और अब इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद में हम लोग चेक करेंगे ये कैसे काम करता है MSI ऐप प्लेयर में। बस मुझे इस बात का डाउट है कि MSI ऐप प्लेयर कहीं ब्लू स्टैक का भाई ना हो, या फिर ब्लू स्टैक से इसका कुछ टाइप ना हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सेम प्लेटफॉर्म अलग कलर में दे रहा है तो फिर मतलब नहीं है यार। ब्लू स्टैक बहुत हैवी है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब तो उसका खुद का वज़न इतना ज़्यादा है ना कि वो पबजी जैसे गेम का वज़न उठा ही नहीं सकता यार। और दूसरा, वो सिर्फ एनवीडिया के ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, पता नहीं क्यों। तो वो मोबाइल पबजी पागल मेरा मार इंस्टॉल हो गया। मैं इस पर ओपन पे क्लिक करता हूँ एंड लेट सी। और ये डिफ़ॉल्ट की बाइंडिंग है जो कि दिखा रहा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गाइज, अपना मोबाइल पबजी मोबाइल जो है वो स्टार्ट हो चुका है MSI ऐप प्लेयर में। अब देखते हैं कि इसमें जो FPS है वो 29 दिखा रहा है यहाँ पर। मैं सेटिंग पे जाता हूँ, इन गेम सेटिंग में देखता हूँ पहले, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो ये सब ऑन कर देता हूँ, ग्राफिक्स में जाता हूँ। मैं ग्राफिक्स में HDR सब है भाई, HDR भी है, सब है इसके अंदर, क्या बात है। तो मैं यहाँ पर स्मूथ रखता हूँ, HDR को सपोर्ट करता है ये, ध्यान रखो। स्मूथ रखता हूँ मैं फ़िलहाल, और शेडो वगैरह डिसेबल रखता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेडो नहीं चाहिए मुझे। दैट्स इट, इसको मैं ओके करता हूँ और शायद ये अपनी FPS को बूस्ट दे देगा, करेक्ट। अभी देखो स्मूथ पे ये एक्सट्रीम वाला जो टैब है ना वो डिसेबल हो गया है यार। तो मैं बैलेंस रखूँगा तो भी नहीं आ रहा है, HD पर रखूँगा तो भी नहीं आ रहा है। अब एक्सट्रीम वाला टैब तो गायब ही हो गया यार, मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब ये देखो, अभी 60 FPS तो भाई एक्सट्रीम पे ही मिलती है, अल्ट्रा पे तो नहीं मिलती है। तो भाई ये मैं अल्ट्रा पे करता हूँ तो ये 40 तक जाएगा, 40 मैक्सिमम है, 40 के ऊपर नहीं जाएगा, 39-40 पे भागते रहेगा। एक्सट्रीम क्यों नहीं आ रहा है, करंट सेटिंग डज नॉट सपोर्ट द फ्रेम रेट, प्लीज रीस्टार्ट द गेम एंड ट्राई अगेन। रीस्टार्ट गेम एंड ट्राई अगेन बोल रहा है, ठीक है ठीक है, इसको पूरे के पूरे को रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं। और मैं सेटिंग पर जाता हूँ यहाँ पर, सेटिंग पर जाने के बाद मैं ग्राफिक्स पर जाता हूँ, और अब एक्सट्रीम दिखा रहा है इसके अंदर, वेरी गुड। तो ये रीस्टार्ट होने के बाद में इसमें एक्सट्रीम वाली सेटिंग आ गई है भाई, तो बहुत ही बढ़िया है। और लोबी में मुझे 50-48 जो भी है दिखा रहा है। और एक ट्रेनिंग ग्राउंड का राउंड मार के आते हैं पहले अपन टेस्ट करने के लिए। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके हम लोग चेक करने वाले हैं कि किस तरह से पों 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 भागता है। इसमें सेंसिटिविटी वगैरह मैंने सेटिंग नहीं की है, तो पता नहीं मैं बराबर से खेलने वाला हूँ या नहीं खेलने वाला हूँ। जो भी है, हमको चेक करना है कि भैया ये गेम में कैसे चलने वाला है और क्या ये गेम लूप को टक्कर दे सकता है। फिनिक्स OS की बात नहीं करेंगे, फिनिक्स OS जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है जो इम्यूलेटर है आपके एग्जिस्टिंग OS में चलता है। तो फिनिक्स OS जो होता है वो अपने आप को पूरा ढाल लेता है यार, वो उस चीज़ को, मतलब कैसे बताऊँ आपको, आई डोंट नो। तो ये अपना ट्रेनिंग ग्राउंड है और ये मेरा माउस एकदम फ्री दिख रहा है, ओके। F1 से लॉक होता है माउस, सेम ब्लू स्टैक की तरह। ट्रेनिंग ग्राउंड में जो FPS है वो 30+ आ रही है। मुझे एक गन ले लेता हूँ मैं लेता हूँ AUG, बढ़िया AUG हाथ में आ गई। और जो बुलेट है अच्छा, मुझे ये बताओ कि F1
F1 से ही आपको रिलीज होना होता है, ये F1 से ही वापस आता है। चलो ठीक है, बढ़िया। तो इसमें मैं एक 2x डाल लेता हूँ, ज़्यादा कुछ डालता नहीं हूँ। तो 2x जो है वो यहाँ पर है और F, ठीक है 2x आ गया है मेरी AUG के अंदर। और बुलेट थोड़ी सी ले लेता हूँ, चलाएंगे मस्त वाली। एक बैकपैक ले लेता हूँ, और ये बैकपैक मैंने ले लिया। और कंपनसेटर ले लेता हूँ एक मैं, जो कि है G-Pay। कंपनसेटर भी लग गया है, और एक एक्सटेंडेड मैग भी ले लेता हूँ। और ये मैंने ले ली। अभी आप प्रॉब्लम क्या हो रही मालूम है क्या? एफ़ और जी है तो इसकी पोजीशन प्रॉपर नहीं है। एनीवेज तो हम लोग एकदम रेडी है फुल ऑन। अभी भी देखो 40 की FPS यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये शूटिंग चालू है भाई अपनी, लग रही नहीं है। ओके भाई, मेरे ख्याल से जो एनवीडिया वाले लोग रहेंगे ना उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है ये, मेरे लिए तो इतना खास नहीं दिख रहा। मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड पे 40 की FPS तो 55 भी गई है यार। इसमें मालूम नहीं पड़ने वाला। एक क्विक मैच खेलते हैं या तो एक TDM खेलते हैं, ठीक है। एक TDM एक क्विक मैच खेलते हैं, अपने को मालूम पड़ जाएगा कैसा है, ठीक है। अरिना, ओके ये डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। TDM का जो मैप है वो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। रिसोर्स पैक मैंने डाउनलोड नहीं किए हुए, आपके सामने मैंने अभी भी सब सेटअप मारा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है डाउनलोड नहीं किए हुए रहेंगे। कोई दिक्कत ना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी डाउनलोड कर लेंगे। और एक टीम डेथ मैच यानी कि TDM और एक क्विक मैच खेलेंगे। हियर वी गो। और ये स्टार्ट हो चुका है गाइस, टीम मैच, लेट्स गो। ठीक है, तो ये 32 की FPS दे रहा है, जो कि बुरी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब 41, 42, 54, 50 की FPS भाई, सरप्राइज हो गया है तो मेरे लिए। बंदे किधर है? अरे क्या बात है, दोनों के दोनों क्या कर क्या रहे थे वहां पर। अरे बॉट है क्या, या फिर मतलब ये मतलब MSI वालों के प्लेयर है ये। भाई 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 मार दिया, अरे साइड से आके मार दिया मेरे को इसने। क्या बकवास कर रहा है तू यार कालू। RS ग्रूट, तो ये अभी हम लोग को छीनने वाले हैं। और FPS देखो आप, थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो मैं ये भी बोलूँगा कि ये किसकी वजह से हो रहा है यार। FPS तो 47 भाई साहब, 54। ए, 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 अरे मेरे को रोकना नहीं चाहिए था यार। मेरी गु टीम देखो, तीनों के तीनों साथ में खेल रहे हैं। अरे क्या बात है, मैं जाता हूँ पीछे से आते बचाने के लिए। मार रही पब्लिक मार रही है। चल घर पे। ये देख वापस स्किट हुआ, देखा आप लोगों ने देखा वो, ये स्किट होता है ना भाई। अरे ये मेरा मारा हुआ बंदा मार दिया। अरे शॉट देखा गया यार, क्या प्यारा खेला हूँ भाई, बहुत ही गजब खेला हूँ। अभी रुको यहाँ पर वापस से बंदा आएगा। अरे घर पे चल तू, निकल पहली फुर्सत में निकल, क्या बात है भाई। अपना ग्रुप छील रहा है, अरे बाप रे जैसे बोला वैसे ही मर गया। ये देख। अरे यार सामने से मार दिया यार, थोड़ा लैग हुआ। 37 की पिंग हो गई थी वहां पर, पर भाई ये खेलने लायक है यार। देखो मेरे को गेम लूप की आदत पड़ी हुई है, एक TDM खेल के मैं बोल नहीं सकता हूँ कि इट्स बेटर देन
गेम लूप, ठीक है। Killing spree for the red team. क्या हो रहा है यार ये, अरे अब लैग हो रहा है भाई, 28 के FPS आ गए और थोड़ा सा Target down. No mercy. दोनों को मार दिया भाई मैंने, आहा का बात है। ये मैं तो बॉम्ब लेके खड़ा था यार हाथ में। Killing spree for the red team. Cover me. क्या बात है, क्या बात है? अरे मेरे को तो एक भी किल नहीं मिल रहा है, ये लोग तो मरते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें प्रोन अनेबल टू प्रोन, अच्छा अनेबल टू प्रोन सी, ओके। चल घर पे, चल घर पे। तो इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा सेंसिटिविटी का सेटिंग जो है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा कम घूम रहा है। कोई बात नहीं, मतलब इसके लिए सेंसिटिविटी अलग रही, गेम लूप के लिए अलग होती है, इसके लिए अलग होती है। कोई बात नहीं, हो सकता कोई दिक्कत ना है, अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। एक को मार दिया मैंने, दूसरे ने मेरे को मार दिया, क्या बात है। हारना नहीं है यार ये, अब गेम अगर जीत गया ना तो भाई MSI एस प्लेयर दो नंबर पे आ जाएगा, मतलब ब्रेक पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार स्टेबिलिटी थोड़ी सी भारी है, हार गए हम लोग, हार गए भाई, हार गए। पब्लिक ढंग की होनी जरूरी है। ओ ओ ओ Half of the match is over. And the red team is in the lead. Be careful. You're losing the game. The red team is about to win. क्या हो रहा है? Come on. नहीं 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 नहीं। और ये हम लोग हार गए, ये हम लोग हार गए भाई, ये तो पक्का ही हार गए, इसको तो रोक ही नहीं सकते। रेड टीम विक्ट्री भाई, मैंने अपने हिस्से के मार लिए थे यार। और ये इट्स गुड एक्चुअली, इट्स बेटर। अभी भी देखो 44-58 की वापस FPS आ गई। ये क्या इतना घूम क्यों रहा है ग्रूट तू? F1 दबा दो भाई, माउस को फ्री करना, नहीं तो ये घूमते ही रहेगा। तो भाई अपनी टीम में थोड़ा ढंग का खेल लेता एक बंदा तो अच्छा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यू एट ऑल। तो हम लोग ने एक TDM मैच ट्राई किया MSI प्लेयर में, ठीक है, MSI एंड्रॉयड प्लेयर जो कि नया एमुलेटर हम लोग ट्राई कर रहे हैं। TDM बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। और एक क्विक मैच हम लोग ट्राई करेंगे अभी, एक क्विक मैच हम लोग ट्राई करेंगे इस तरह से। और क्विक मैच में मैं ऑटो मैच मेकिंग करूँगा और सोलो वर्सेस स्क्वाड पटेली, ये बड़ा ही खतरनाक प्लेन है और मैं कूद रहा हूँ यहाँ पर। अरे कूदते किससे है? ई से कूदते हैं भाई। ओके, मुझे मालूम नहीं था इसमें जो की बाइंडिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कोई बात नहीं, जो है वो है। और ये मतलब भयंकर जॉर्ज पुल में पहुंचा दिया है हमका, का बताए तुमका। ऑल वेपन इस घर में थे और बाद में उस घर में थे और यहाँ से उन लोग इधर ही गई हैं। देखो मुझे मरना तो है ही, इससे तो ये गेम हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए होती है यार, कोई भी नई चीज़ हम लोग ट्राई करते। तो यहाँ पर थे बंदे लोग और यहाँ से वो लोग भागे। ओके, शायद ये उन्हीं का थोड़ी फोड़ी का काम है। ठीक है, और फिर वो लोग यहाँ पर थे, वो देख ये तो बॉट था यार, ये तो बहुत इजी मर गया। देखो ना क्या अटक रहा है, किधर गायब हो गया यार, रीच के पास।
चलो एक किल तुम्हारा कम से कम मैंने, MSI प्लेयर की जय हो। और सामने से भाई साहब, मैं जैसे ही अंदर आया वैसे मैं पीछे से कोई मार रहा था। भाई साहब अटक रहा है बहुत ज़्यादा। 30 की पिंग, अरे कैसे खाते है इसको, एक से खाता है नहीं। और मुझे कोई तो मार रहा है छत से, वो देखो वो तो छत से मार रहा है। यहाँ पर जो बंदा था ना वो यहाँ से ही भागेगा। मार दिया कोई बात नहीं भाई, ये खेल सकते हैं आप लोग इससे। मतलब अब तक के मैंने जितने भी एम्युलेटर इस्तेमाल किए हैं ना, मैं पबजी मोबाइल गेम वाला जो एम्युलेटर है, गेम लूप ऑफिशियल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी नॉर्मल एम्युलेटर मैंने यूज़ किए उनमें से सबसे बढ़िया एम्युलेटर अब तक का MSI प्लेयर है। HDR सपोर्ट करता है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो दूसरे गेम जैसे आर्क सर्वाइवल मुझे किसी ने कहा था चेक करने के लिए, और वो ब्लू स्टैक में एक्चुअली नहीं चला, शायद इसमें वो चल सकता है आर्क सर्वाइवल। तो MSI प्लेयर जो है ना वो गेम लूप के बहुत ही क्लोज है, 6.5 out of 10। अगर 7 गेम लूप है तो 6.5 MSI प्लेयर है, इतना ही डिफरेंस है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, मेरे ख्याल से अगर आपके सिस्टम में ये NVIDIA ग्राफिक कार्ड है तो आपको ये और भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, इट विल वर्क गुड। ठीक है, तो गाइस आप लोग ऑलरेडी मेरा गेम देखते हो, मैंने लास्ट वीडियो में पबजी मोबाइल गेम लूप का गेम प्ले डाला था जिसमें हम लोगों ने चिकन डिनर मारा था। आज के इसमें हम लोग ने एक TDM और एक क्विक मैच खेला, दोनों के दोनों MSI प्लेयर पे खेले। तो ये वीडियो था MSI प्लेयर वर्सेस गेम लूप, और मेरे ख्याल से MSI और गेम लूप के अंदर बहुत ही माइनर डिफरेंस है। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है और अगर आपके पास NVIDIA ग्राफिक कार्ड है तो MSI प्लेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू गेम लूप। खैर ये सब आप डिसाइड करो और कमेंट करो और बताओ आपको क्या लगता है इन सब चीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट करो, जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है कमेंट करो। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।